ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। दोस्तों क्वेश्चन आता है, जो जेम हमने पहना हुआ है, जो स्टोन पहना है, ये शरीर से रगड़ के रहना चाहिए, कितना टच होना चाहिए और उसका खुला रहना जरूरी है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमने जेम स्टोन पहना है, क्या हमारी बॉडी के साथ टच होना जरूरी है? दोस्तों याद रखें, जो जेम थेरेपी होती है ये कोई टच थेरेपी नहीं है कि आपको टच करना जरूरी है। कई बार लोग अपनी जो रिंग है उसको इस तरीके से बना देते हैं कि आपकी उंगली के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर करता रहता है, जिससे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों याद रखें, ये टच थेरेपी नहीं है। आप जब रिंग पहनते हैं तो जो जेम स्टोन है इसके नीचे से खुला होना ही काफ़ी है। जो खुला है इसमें जेम स्टोन के थ्रू जो सनलाइट है, प्रकाश की किरणें हैं, वो आपकी उंगलियों को उसके थ्रू निकलकर उनको एनर्जी देती हैं। सो स्किन को टच करने के चक्कर में आप उसको टाइट मत पहने और उसको इस तरीके से पहने कि थोड़ा सा गैप रहे, ताकि उसके अंदर कुछ हवा की मूवमेंट बनी रहे और आपकी उंगली पे कोई डैमेज ना हो। रगड़ खाना जरूरी नहीं है, नीचे से खुला होना जरूरी है, जिससे कि जो लाइट रेस हैं वो जेम स्टोन के थ्रू निकलकर आपकी उंगली के अंदर एनर्जी को एक्टिवेट करे। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।